हेलो एवरीवन, माय नेम इज ज्योति कुमार। यह कंप्यूटर बेसिक की 35th वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर क्या होता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था मिडल लेवल लैंग्वेज क्या होता है। अब हम देखते हैं कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर क्या होता है एंड उनके में डिफरेंस क्या है। चलिए शुरू करते हैं। कंपाइलर, मैं आपको कंप्यूटर लैंग्वेजेस पढ़ा चुका हूँ कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है। मैंने आपको हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ाया था कि हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज होता है। हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जो ह्यूमन समझ पाता है, कंप्यूटर नहीं समझ पाता है। लेकिन मुझे बातचीत ह्यूमन से नहीं करना है, किससे करना है? कंप्यूटर से। और कंप्यूटर को हम क्या बता रहे हैं? अपना ह्यूमन लैंग्वेज से हम कैसे बात करेंगे, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? ह्यूमन रीडेबल होता है। तो कंप्यूटर से अगर हम बात करना चाहते हैं तो ह्यूमन रीडेबल भाषा में हम बात नहीं कर सकते हैं। लिखेंगे, बात तो करेंगे हम ह्यूमन रीडेबल, बोलेंगे हम कंप्यूटर को ह्यूमन रीडेबल में ही, लेकिन कंप्यूटर डायरेक्ट ह्यूमन रीडेबल भाषा नहीं समझ सकता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर 0 और 1 समझता है। डायरेक्ट कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकता है। हमारी लैंग्वेज यानी हाई लेवल लैंग्वेज एंड कंप्यूटर लैंग्वेज यानी मशीन लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर या इंटरप्रेटर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो वही हम देखेंगे आज, कंपाइलर क्या होता है एंड इंटरप्रेटर क्या होता है। चलिए देखते हैं कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। देखिए, पहले हम देखेंगे कंपाइलर क्या होता है। इट इज यूज्ड टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। तो कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कंपाइलर बोलते हैं। कंपाइलर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। हम कह सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज एंड मशीन लेवल लैंग्वेज के बीच में कंपाइलर रहता है। जो कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है एंड उसके बाद मशीन लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करता है। कौन? कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और देखते हैं ये क्या होता है। ट्रांसलेट और कन्वर्ट एंटायर और होल कोड प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर, प्रोग्रामर ने या हमने जितने भी कोड लिखे हुए हैं, कंपाइलर क्या करेगा? सारे कोड को, एंटायर कोड को एक साथ मशीन कोड में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के पास भेज देता है। यानी मैं चाहता हूँ ये जो मैंने लिखा है ये मैं कंप्यूटर को समझाना चाहता हूँ, तो कंप्यूटर मैंने ये लिखा है, पहले कंपाइलर क्या करेगा? इन सबको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। मशीन लेवल लैंग्वेज में सबको एक साथ कन्वर्ट करने के बाद एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेसर के पास भेज देगा। तो कंपाइलर क्या कर रहा है? होल कोड यानी एंटायर कोड को एक साथ मशीन कोड में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट कर दे रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं? कंपाइलर। कंपाइलर एंटायर यानी जितना भी बड़ा कोड है, जितना भी बड़ा मैंने कुछ लिखा है, सबको एक साथ कन्वर्ट करता है किसमें? मशीन लेवल लैंग्वेज में। यानी हम कह सकते हैं कि कंपाइलर होल कोड को मशीन लैंग्वेज में एक ही टाइम पर कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। एक टाइम यानी एक ही समय पर ये होल कोड को यानी पूरे कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। आगे हम देखते हैं gives us entire error
एट अ टाइम। मैंने जो प्रोग्राम लिखा है, यानी जो मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है, जो मैंने प्रोग्राम लिखा है, उसमें जितनी भी गलतियां होती है, जितनी भी यानी जितनी भी एरर हैं, वो एक साथ कंपाइलर हमें बता देता है। एरर का मतलब क्या होता है, मैंने जो प्रोग्राम लिखा है उसमें कुछ सिंटैक्स यानी रूल, कोई रूल गलत हो सकता है, कोई चीज़ गलती हो सकती है, तो उसे तो हमारी क्या कहलाती है, एरर कहलाती है। तो कंपाइलर हमारा पूरे कोड, पूरे प्रोग्राम का एरर एक साथ बता देता है कि आपके प्रोग्राम में यहाँ यहाँ गलतियाँ हैं। जैसे अगर मेरा इस जगह, ये जगह और इस जगह, चार जगह गलतियाँ हैं, कंपाइलर चारों के चारों जगह का गलतियाँ एक साथ बता देगा। यानी कंपाइलर क्या करता है, पूरे कोड को एक साथ मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, एंड हमें एरर भी, जितने भी एरर होते हैं, जितनी भी गलतियाँ होती हैं हमारे प्रोग्राम में, सबको एक साथ कंपाइलर बता देता है। अंडरस्टैंड सब, आगे बढ़ते हैं। कंपाइलर ज़्यादातर किस लैंग्वेज में यूज किया जाता है, सी एंड सी प्लस प्लस। ज़्यादातर कंपाइलर सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज में यूज किया जाता है। यानी अगर हमें सी लैंग्वेज आती है, तो अगर हमने सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाया है, तो जो प्रोग्राम मैंने जो बनाया है, कंपाइलर क्या करेगा, एक साथ सारे प्रोग्राम को एक साथ मशीन कोड में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करवा देगा। और सी लैंग्वेज में जो मैंने प्रोग्राम लिखा है, जितने भी मेरी गलतियां हैं उसमें, उस सब को एक साथ बता देगा कौन, कंपाइलर। तो ओवरऑल कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो होल कोड को, एंटायर कोड को एक साथ मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, एंड जितनी भी गलतियां होती हैं हमारी, वो सबको एक साथ बता देता है। आगे बढ़ते हैं, हम इंटरप्रेटर देखेंगे, इंटरप्रेटर क्या होता है। इंटरप्रेटर इट इज ऑल्सो यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या होगा, चलिए देखते हैं कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या होता है। इंटरप्रेटर एक समय पर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम जो मैंने लिखा है, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करवाता है, यानी ट्रांसलेट। इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन करवाएगा। यानी कि अगर मैं ये चाहता हूँ कंप्यूटर को समझाना, तो कंपाइलर क्या करेगा, सबको एक साथ मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेटर पहले इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट यानी ट्रांसलेट करके मैं प्रोसेसर को देने के बाद, फिर दूसरी लाइन पर आएगा, फिर दूसरी लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तब तीसरी लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। यानी ओवरऑल इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को कन्वर्ट कर रहा है मशीन कोड में। लेकिन कंपाइलर क्या करता है, होल कोड, एंटायर कोड को एक साथ कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम के कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। और क्या होता है, देखिए इट गिव्स अस लाइन बाय लाइन एरर
एट अ टाइम। इंटरप्रेटर हमें अगर एरर भी बताता है, यानी कोई गलतियां अगर हमारे प्रोग्राम में हो गई है, वो गलतियां भी इंटरप्रेटर कैसे बताएगा, लाइन बाय लाइन बताएगा। यानी पहले इस लाइन का गलती बता देगा, जब मैंने इस लाइन का गलती ठीक कर दिया उसके बाद फिर दूसरी गलती को बताएगा। अगर इसमें गलती है तो फिर दूसरी लाइन की गलती को बताएगा। फिर अगर इसका इस गलती को मैंने ठीक कर दिया फिर तीसरी लाइन की गलती को बताएगा। अगर गलती रहता है तो बताता है, गलती नहीं रहता है तो नहीं बताता है। तो इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, लाइन बाय लाइन हमारी गलतियां को बताता है कि हमने प्रोग्राम में कहां कहां गलतियां किया है, ये लाइन बाय लाइन बताता है। और हम कह सकते हैं कि कंपाइलर होल कोड को, एंटायर कोड को एक साथ मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, एंड कंपाइलर एरर भी बताता है तो वो एक साथ बता देता है कि हमारे पूरे प्रोग्राम का एरर एक साथ बता देता है। लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, एंड इंटरप्रेटर एरर भी बताता है तो हमें लाइन बाय लाइन बताता है। लाइन बाय लाइन यानी पहले फर्स्ट लाइन का एरर बताएगा, उसके बाद दूसरे लाइन का, फिर तीसरे लाइन का। जब तक हम एरर सही नहीं करेंगे तब तक दूसरे लाइन पर इंटरप्रेटर नहीं जाता है। जब हम पहले लाइन का एरर मैंने ठीक कर दिया तब इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहले लाइन को एग्जीक्यूट करवा देगा प्रोसेसर से। यानी इंटरप्रेटर पहले लाइन को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के बाद प्रोसेसर से एग्जीक्यूट करने के लिए दे देगा। उसके बाद फिर दूसरे लाइन पर आएगा, फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद फिर दूसरे लाइन पर आएगा। दूसरे लाइन का भी अगर गलतियां नहीं हैं तो फिर मशीन कोड में कन्वर्ट करने के बाद एग्जीक्यूट करने के लिए दे देता है। जब ये एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद फिर तीसरे लाइन पर आता है। यानी इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन डेटा प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, लेकिन कंपाइलर ओवरऑल एंटायर कोड को एक साथ कन्वर्ट कर देता है। और एरर भी इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन बताता है एंड कंपाइलर लाइन बाय लाइन नहीं बताता है। हमारे प्रोग्राम में जितनी भी गलतियां होता है वो सब एक साथ बता देता है, कौन सा ट्रांसलेटर, कंपाइलर, लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन गलतियां बताता है। आई होप आपको इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगले वीडियो से हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू।